हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। जो हमारा रुक वर्सेस पॉन एंड गेम का जो आइडिया आज का हमारा सेशन रहेगा, हम उसमें कवर करेंगे कि मेरे एक साइड के पास एक रुक होगा, वहीं अपोनेंट के पास में पॉन या बहुत सारे पॉन्स होंगे। मल्टीपल पॉन्स के अगेंस्ट पर अगर एक रुक अगर आपकी पोजिशन आती है, इस प्रकार का एंड गेम आता है, तो किन तरीके के आइडियाज़ आपके दिमाग में होना चाहिए वो आप इस पोजीशन पर सोचेंगे। ऑल राइट, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बेसिक आइडिया, विनिंग आइडिया क्या होना चाहिए एक किसी भी पोजीशन पर, आपको वो समझना है। सबसे पहले देखिए, आप नोटिस कर सकते हैं अगले मूव में एक पॉन क्वीन होने जा रहा है, वहीं पर वो किंग से सपोर्टेड है। ऑब्वियसली रुक पीछे पर है तो आप सिंपली इसे क्वीन नहीं बना सकते, और कुछ इस वजह से आपको अपने राजा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका राजा बोर्ड में नहीं आ पाएगा तो देन दैट मींस आपके अपोनेंट का राजा उस स्क्वायर पर आएगा जहां पर से वो उसे सपोर्ट कर सकता है, और पोजीशन विल एंड इन अ ड्रॉ। तो इस पोजीशन को जीतने का वाइट का आइडिया होगा सिंपली, सबसे पहले तो मैं अपने राजा और हाथी की मदद से अपोनेंट के इस पॉन को कैप्चर करूँ। उसके बाद में मुझे पता होना चाहिए कि एक रुक कैसे चेकमेट करता है एक राजा को यूजिंग अवर ओन किंग। एज वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हमको इस पॉन को मारना है, तो इस पॉन को मारने के लिए हमेशा आप ध्यान रखिए, अपोनेंट का राजा कभी भी ये स्क्वायर या ये स्क्वायर C2 और E2 इन दिस केस, वो अगर पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो वो मैच को बेसिकली ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएगा। तो इन दिस केस आप सिंपली एक चीज़ दिमाग में रखिए कि अगर आपका राजा अपोनेंट को इस स्क्वायर में आने से रोक सकता है तो देन यू आर विनिंग द गेम। किंग F1, E2 स्क्वायर कवर्ड हो गया है, इन दिस केस ही कैन नॉट कम ओवर हियर। तो ऑब्वियसली वो क्या खेलेगा, दिस इज अ काइंड ऑफ अ ज़ुगज़्वांग पोजीशन जिसमें अपोनेंट पॉन बढ़ता है तो दैट विल बी कैप्चर्ड, ऑब्वियसली पॉन कैप्चर हो जाएगा, और अगर राजा हटता है तो वी कैन सिंपली टेक इट एंड विन द गेम। ओके, नेक्स्ट आइडिया, ये दूसरा आइडिया है मेरा। मैं अपोनेंट को यहाँ पहुँचने से नहीं रोक सकता, करेक्ट, बट इन दिस केस अगर मैं अपने राजा को यहाँ पर पहुँच सकता हूँ उसके जस्ट बगल वाले स्क्वायर में, तो देखिए मैं उसके ये क्वीनिंग स्क्वायर को गार्ड कर रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई विल विन द गेम। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं बाई एनी मीन्स अपोनेंट के क्वीन बनने से पहले अगर मैं अपने राजा को इसके बगल वाले स्क्वायर में पहुँचाने में कामयाब हो जाता हूँ तो आई विल विन द गेम। किंग B3, वो क्वीन नहीं बना सकता, ही विल सिंपली प्ले किंग A2, आई विल प्ले किंग C2, और अब देखिए वो क्वीन नहीं बना सकता, इन केस अगर वो किंग को इधर जैसे मूव खेलता है तो आई विल गिव अ चेक, किंग विल मूव, क्योंकि अब वो देखिए इस फाइल को उसे छोड़ना होगा, एंड आई विल गॉबल दिस पॉन एंड आई विल विन द गेम। मुझे पता है कि मुझे रुक के साथ में कैसे चेकमेट करना है। सिंपली मैं आपको समराइज करता हूँ कि इन केस अगर मैं अपोनेंट को इस स्क्वायर पे आने से रोक सकता हूँ तो देन आई विल विन द गेम, और मैं खुद इसके बगल वाले स्क्वायर में अगर आ जाता हूँ फॉलोड बाई अगर मेरा हाथी पीछे से इसे देख रहा है तो आई विल विन द गेम। क्योंकि इतनी चीज़ अगर आपको पता है तो मैं अगले स्टेप में आ जाता हूँ, जो कि अब आपको थोड़ा बहुत कठिन चीज़ें समझना शुरू करना होगा।